शुरुआत में कहा, मैं भी उस बात को आपके स्मरण में लाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की बोली भाषा के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में, हमारे राज्य के जो हमारे देव स्थान है, हमारे चार धाम है, अन्य हमारे स्थान है, हमारे यहाँ की पवित्र नदियां हैं, उन सबको भी आत्मसात करते हुए आप पूरे देश के अंदर जहां जाएंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आप सब काम करेंगे। इसलिए आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर कौन कौन से स्थान हैं। थोड़ी जानकारी अगर हमारे पास कम है, या जैसा मैं बोल रहा हूं, या रमन जी ने जो बोल रहा है, या शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, वो बातें अगर हमारे ध्यान में नहीं है तो हमको थोड़ा आपस में उसका भी ध्यान करना चाहिए। हमारे पास सबके पास फोन होंगे, फोनों से भी हम जानकारियां लें, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि आप उत्तराखंड के कौन से स्थान से आए हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान डेस्टिनेशन है, कौन कौन से हमारे देव स्थान है, हमारे यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, आजकल उत्तराखंड का मौसम कैसा होता है, जिस समय सर्दियां होती हैं तो वहां हिमपात होता है, हिमपात के समय में सूर्य के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और कल ही आप सबकी जानकारी के लिए कि कल से हमने राज्य में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह ही शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया है। अब मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, कल रात को मुझे फोन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है। और लोग चूंकि इस समय जहां हम आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जहां आप रहते हैं वो देवभूमि है, और देवभूमि की अपनी विशेषता क्या है। जहां अनेक स्थानों पर आज भगवान सूर्यदेव महीने महीने भर तक दर्शन नहीं देते और हमको रोज दर्शन देते हैं। हम यही दिल्ली में जाते हैं एनसीआर में, तो कितने लोगों को, कल आदरणी सविता कपूर जी मेरे पास आई थी, हालांकि ये तो शादियों में, बरातों में, रात में इनके पाला पड़ गया होगा, ठंड में घूम रही होंगी, तो इनको सर्दी लग गई थी, खांस रही थी, तो मैंने अचानक इनसे पूछा, कहीं आप दिल्ली तो नहीं गई थी? क्योंकि जो लोग भी हमारे यहां से जाते हैं, आप लोगों को पता है ना वहां का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा है, EQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत ज्यादा बताता है, और वहीं हम उत्तराखंड आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा 50, 60, 40, 30 इस प्रकार का होता है। और मैं कल तो जहां ऊखी मठ को रात्रि को मैं रुका था सारी गांव में, वहां का तो पता ही नहीं लग रहा था, इंडेक्स बिल्कुल जीरो के आसपास घूम रहा था। तो ये सब हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है, जैसे अब ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है ऊखी मठ में, तो बहुत सारे लोग, उनकी जानकारी में नहीं होगा कि जब भगवान जो है कपाट खुलते हैं बाबा केदार, तो 6 महीने वहां रहते हैं, कहां, जहां उनका स्थल है, जहां मंदाकिनी है, जहां सरस्वती है, जहां हिमालय है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने भगवान का निवास स्थल कहां हो जाता है, ऊखी मठ में, ओंकारेश्वर मंदिर में। यानी कि अब जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी भगवान विराजमान है, शीतकालीन गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करेंगे, तो कोई मैं धर्म के विषय में बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भगवान का दर्शन करने से वही पुण्य फल उनको जो वहां प्राप्त होता था यहां भी प्राप्त होगा। तो हमने कहा कि भाई आइए आप हमारे यहां, बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्थान है, जैसे हमारा जोशीमठ है, भगवान बद्रीनाथ जी वहां जाते हैं, नरसिंह भगवान वहां विराजमान है, ऐसे ही हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, अनेक स्थान ऐसे हैं। पैठाणी में हमारे क्या राहु का स्थान, राहु देवता का जो है क्या मंदिर है,
राहु मंदिर है एकमात्र, अल्मोड़ा में हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कटापल, अनेक स्थान हैं। और उन सबके बारे में आप मतलब और लोगों को सबसे तो सबको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे 190 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है और आप सब मेधावी हैं, आपको इस दल में सम्मिलित होने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी मेधा का प्रसन्न किया है, आपने उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके लिए उत्कृष्टता के नाते पूरा उत्तराखंड का एक एक स्थान, एक एक विशिष्टता, एक एक देव स्थान, एक एक डेस्टिनेशन, हमारी प्रमुख नदियां, हमारे प्रमुख हिम शिखर, हमारे वन, ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि रटा हुआ है, कोई कुछ पूछे यहां से निकला, वहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, आपने ऐसे बता दिया जैसे कि आपके ध्यान में ये चल रहा हो। मतलब ध्यान और भी करिए, यानी कि यही रुकना है लेकिन इसको करना है, ठीक है, करेंगे ना? चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आप सबके, आप सबकी सोच को नए आयाम देने के साथ ही आपके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। देखिए, घूमने फिरने से, जाने से, विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में, चंद्रशेखर जी आप तो जानते हैं, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे, आप सबको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने एक तपस्वी के रूप में, भारत के एक सन्यासी के रूप में शिकागो के सम्मेलन में धर्म सभा में भाग लिया था। और वो इतना कैसे बोल पाए, उन्होंने केवल पढ़ाई लिखाई करी, इसी से नहीं हुआ, वो इतने विद्वान, उनके मुंह से निकली हुई सरस्वती का वास उनकी जीवा पर इस प्रकार से प्रस्तुतित हुआ कि उनके हर शब्द को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर पूरी धर्म सभा ने सुना। ये उनको प्राप्त हुआ भ्रमण करने से। उन्होंने दीन दुखियों के बीच में नर नारायण की सेवा के रूप में, जो लोग बिल्कुल दरिद्र थे, जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करके, उन सबसे आत्मीयता करके, पूरे देश का जब उन्होंने भ्रमण किया तो उनके मुख से तब वो शब्द निकले। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि आप सब भी जो भ्रमण करेंगे, अभी जितना अवसर मिला है, अभी एक अवसर हम सरकार की तरफ से हो रहा है आप लोगों को, आप लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए, इस प्रकार के भ्रमण आपकी आपके व्यक्तित्व को विकास करने के साथ साथ आपके नियमित कार्यक्रमों में आ जाएंगे, तो आप सबका भी इसी प्रकार से व्यक्तित्व का